भाई लोग कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, अगर आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा जब हम अलॉयज डलवाने गए थे तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स लिए थे। अगर आप देखे होंगे पहली वाली वीडियो में, अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है तो पहले जाके देखो। वो जो वो ड्रोन शॉट्स लिए थे हमने, उसके बाद थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है। मेरा ड्रोन पेट में अटक गया था जाके, एंड उसके बाद क्या ही बताऊँ मैं। उसके बाद जो वो इतनी हाइट से गिरा है ना, वैसा मैं अभी तो उसकी EMI भी नहीं उतरी है, 2 EMI पेंडिंग है उसकी। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले उसकी मैंने 4th EMI उतारी थी, एंड उससे पहले ये कांड हो गया है। आई डोंट नो क्यों, चलो जो भी है हुआ तो हुआ है, उसमें क्या ही कर सकते हैं। बट फिर भी मतलब इतनी मतलब कोई वर्ड नहीं है बस भाई। मैं आपको दिखाता हूँ सीधे मतलब कैसे हुआ है वो, क्या क्या हुआ उसमें। अब देखोगे ध्यान से तो ये देखो, अभी इसका ये पूरा टूट चुका है। अगर आप देख पा रहे हो ये पूरा, ये पूरा ही टूट चुका है, बस जो वायर है उसकी वजह से यहाँ पे अटका हुआ है समहाउ। बाकी ये पूरा का पूरा, चलो ये तो आपको लग रहा होगा, चलो ये एक बात है। एंड दूसरी बात है ये देखो, ये पूरा टूट चुका है। एंड तीसरी बात जो मेन है, एक मिनट से गिम्बल निकाल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तीसरी बात मेन ये है, तो लाइट में लेके चलता हूँ थोड़ा सा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी पूरा टूट चुका है, ये भी बस जो वायर है उसके साथ लटका हुआ है। अगर आपको वायर दिख रही होगी अंदर, वो देखो सिर्फ वायर के साथ लटका हुआ है, बाकी इसके कुछ नहीं बचा है। तो सोच सकते हैं कि मतलब, और ऊपर से ये देखिए पूरा टेढ़ा हो रखा है। सो गाइस ये था कुछ, एंड दिक्कत की बात तो ये नहीं है कि हमारा टूट गया। चलो अब जो होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है, जो भी हुआ है। इसके पास ही अवेलेबल नहीं है इंडिया में, सोच सकते हो अब कनाडा में है, फिर भी अब कनाडा से कौन आएगा, कब आएगा पता नहीं। सो अगर कोई कनाडा से आएगा, जो भी आएगा तो मेरे को बता देना है। इसके 2 पार्ट है, छोटे छोटे से ही हैं, सो इफ़ पॉसिबल तो बता देना, कॉन्टेक्ट कर देना, तो सब डिस्कस कर लेंगे। 2 ही पार्ट्स है वैसे तो। एंड हेस तो यही है, क्या करते हैं इसका, नो कमेंट्स। कुछ बोलने लगा ही नहीं तो मैं क्या है बोलूँ, इतना बड़ा और इतनी मेहनत से लिया था मैंने सेव था अपने। अभी तक इसकी 2 EMI बची हुई है, 4 EMI उतार चुका हूँ मैं, तो दुख तो है, क्या ही कर सकते हैं। देखते हैं कुछ जुगाड़ लगा के, अगर कुछ होता है जुगाड़, बिकॉज इसके बिना सरता भी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, जब हम उड़ा रहे थे ना, तो जब मैंने मोड़ा उसको तो काफ़ी पीछे रह गया था ड्रोन, तो अचानक से ना उसमें जो वीडियो होती है ना, उसमें अचानक से पेड़ दिख गया। मतलब पहले पूरा एकदम स्ट्रेट दिखा था, उसके बाद अचानक से पता नहीं जैसे पास में पहुंचा ना, अचानक से ऐसे मतलब ऐसे लगा कि अचानक से सामने आ गया पेड़, तो उसी में जाके फंस गया। एंड हुआ ये कि अगर हम बच्चे जाता, बट नीचे से जो हाईवे था वो चल रहा था, एंड ऊपर उसके ऊपर पेड़ था, उस पर अटका हुआ था। एंड वो बात नहीं है, हम पकड़ भी लेते, बट जैसे वो गिरा ना, नीचे से एक कार आके निकल गई, तो वो फिर आके तो हो नहीं सकते थे हम ना, तो सेफ्टी फर्स्ट। तो उसी उतने ही टाइम में, मतलब टाइमिंग देखो, अगर वो कार के आगे आया था एंड टायर करना चाहिए था, फिर तो उसका क्या ही बचना था। फिर भी मतलब चलो, कार निकल के उसके बाद गिरा। एंड अगर कार थोड़ी मतलब लेट आती या फिर खाली रोड होती, फिर तो कैच हो जाता, फिर तो कुछ नहीं होना, फिर तो बच ही जाना था इसमें। बट समहाउ टाइमिंग का है सारा खेल, थोड़े से आगे भी आता था, पीछे भी रहता था, कि अब तक चूल्हा ही बन जाता, कुछ ना बचता। सो यही है ऐसी कहानी। तो सब्सक्राइब करना, क्या कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, एंड कमेंट
क्या ही करोगे आप बताना, अगर कोई कनाडा से आ रहा है मेरा फ्रेंड जब भी आएगा तो बता देना, बता के आना। सो दैट दो पार्ट्स है इसके बस, आई थिंक $35 कैनेडियन, $35 के हैं दोनों ही, आई गेस मतलब 30 की रेंज में, 30 to 35 कैनेडियन डॉलर रेंज में है। सो यस कर लेंगे। सो यही था, अगर देखें जुगाड़ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, अगर जुगाड़ बनाना होगा इसका कोई तो। तक ले, टेक केयर, बाय बाय, मैं फिर उम्मीद करें।